सारी दुनिया को जीत सकते हैं अपने संस्कार से, सारी दुनिया को जीत सकते हैं अपने संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकता है अपने अहंकार से। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 2 के सी का पार्ट नंबर 2। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बता दिया है, अब मैं आपको पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से बताने वाला हूँ जो कि लघु उत्तरी क्वेश्चन है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में बोल क्या रखा है। इसे बोला है यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2 तो सिद्ध कीजिए। कितना सिद्ध करना है? cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स y, अर्थात देखा जाए तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई बाय 2 दिया है, और इसको हमें क्या करना है? cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स y में चेंज करना है। एक बार में क्वेश्चन मिलाने दीजिए सही लिखा गया कि नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ पे लाना है क्या? cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स y लाना है। ठीक है, क्या लाना है? साइन इनवर्स वाई लाना है। वही मैं सोच रहा था कि अब यहाँ पे वही दिया, यहाँ पे भी वही सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो सेम टू सेम सिद्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई रहेगा तभी सिद्ध हो पाएगा। अब हम इसको करेंगे कैसे सिद्ध? चलो हल करते हैं। यहां पे लिखो आप हल। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। यह क्वेश्चन आपका है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, समीकरण नंबर फर्स्ट इसको आप मान लो। अब देखो दोस्तों हमें यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स एक्स दिख रहा है, कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पहले पर है। जो सिद्ध करना थोड़ा उस पर नजर दो, क्वेश्चन में दिया है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। ठीक है, आप देख के आ रहे हो कि जो कॉस इनवर्स वाई है वही चेंज हो रहा है। वाई यहाँ पे कोण जो है वाई दिख रहा है, यहाँ पर एक्स है, एक्स एक्स दिख रहा है। ठीक है, एक को तो हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन एक दर्शा रहा है, एक पद जो है कॉस इनवर्स वाई, वो बोल रहा है हमें साइन इनवर्स वाई में चेंज कर दोगे तो आसानी से यह सिद्ध हो जाएगा, लेकिन पाई बाई 2 भी साथ में हटाना होगा। तो जैसे ही कॉस को साइन के रूप में चेंज करोगे तो वहां पे पाई बाई 2 आपको आसानी से मिल जाएगा। वो कैसे भी आगे आपको मैं समझाता हूं। तो आप यहाँ पे कर लो पहले काम मानने वाला। ठीक है, तो आप लिखो माना। माना क्या? चेंज किसको करना है? cos इनवर्स y को। समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ? आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे cos इनवर्स y है, तो cos इनवर्स y को हमें sin इनवर्स y में चेंज करना है, क्योंकि cos इनवर्स x तो यहाँ पे दिख ही रहा है, लेकिन sin इनवर्स y इसमें नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो हम यही प्रयास कर सकते हैं cos इनवर्स y को sin इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, sin इनवर्स y में। तो वो कैसे होगा? कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो cos इनवर्स y बराबर मैंने क्या मान लिया? अपने से a मान लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या मान लिया? a मान लिया। अगर cos इनवर्स को उस तरफ हम पंचांतर कर दें तो क्या हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? cos a। जैसे ही पंचांतर करेंगे इनवर्स क्या हो जाएगा? हट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो y बराबर आपको मिल जाएगा cos a। अब ध्यान दो, अब cos a को हमको चेंज करना है किसमें? साइन में। अगर हम यहां देखिए, अब त्रिकोणमिति का अनुपात हमें मिल गया। क्या? कौन सा अनुपात? cos मिल गया। तो एक आपको फार्मूला पता होगा कि cos थीटा बराबर होता है साइन 90 अंश माइनस थीटा। तो साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? पाई बाई क्या? 90 अंश को 2, पाई बाई 2 लिख सकते नहीं लिख सकते? तो पाई बाई हम क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। कॉस थीटा बराबर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, अर्थात 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। अगर साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा अर्थात कॉस ए, इसकी जगह पर थीटा ना लेकर हम क्या कर देंगे? ए ले लेंगे। तो समझने में काफी आसान हो जाएगा आपको। अब देखो कॉस ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाई 2 माइनस ए लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं? एक बार मैं आपको फिर समझाता हूं। देखो साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। ओके, चलो अब हम 90 अंश को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है थीटा की जगह पर ए है,
तो इसलिए हम थीटा की जगह पर क्या लेके चलेंगे, ए लेके चलेंगे। तो साइन पाई बाई टू माइनस ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा, कॉस ए। तो कॉस, जब साइन नब्बे अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा बराबर हम साइन नब्बे अंश माइनस ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, थीटा लिख सकते हैं ना। तो हमारा यहाँ पे कोण ए है तो हम ए को लेके चलेंगे। तो वाई बराबर अब हम क्या लिखेंगे, कॉस ए की जगह पर देखिए वाई इधर था बाई तरफ तो वाई ले लिया, अब कॉस ए की जगह, तो कॉस ए की जगह पर हम क्या लेके चलेंगे, साइन उसके बाद पाई बाई टू माइनस ए। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम ऐसा काम करते हैं, साइन को इस तरह पंचांतर लेते हैं क्योंकि जो सिद्ध करना है ना इनवर्स में है और वाई भी साथ में हो जाएगा, तो साइन को इस तरह पंचांतर करेंगे तो इधर इनवर्स में नहीं इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू माइनस ए। अगर हम ए बराबर निकाल लें तो ए बराबर इसलिए निकालना है क्योंकि अगर हम ए बराबर माने हैं, इसकी जगह पर ए माने हैं तो हमें तो पहले ए चाहिए ना, तभी तो इसका वैल्यू हम वहां पर रख पाएंगे समीकरण फर्स्ट में। तो हम ए निकालेंगे, ए इधर आएगा और ए की जगह पर जब देखिये साइन इनवर्स वाई की जगह पर जब ए आएगा तो ए की जगह पर साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बाई टू माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई। अब देखिए ये ए बराबर हमें मिल गया, ए बराबर क्या है, कॉस इनवर्स वाई, तो इसकी जगह पर ए की जगह पर हम रख देंगे क्या, कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई। समझ में आ नहीं आया, देखो मैंने क्या किया कि कॉस इनवर्स वाई बराबर मैंने ए माना था तो हमें ए का मान तो निकालना ही पड़ेगा, जो माने हो उसका पहले मान निकाल के फिर जब उसका मान आपको मिल जाएगा तो उसी की जगह पर रख दो। तो मैंने कॉस इनवर्स वाई बराबर ए माना तो इसका मैंने मान निकाला ए का, तो ए का मान मिला पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई। अब इसी ए का मान हम उठाकर ए की जगह पर रख देंगे तो बाई तरफ क्या है, कॉस इनवर्स वाई है तो कॉस इनवर्स वाई ही रहेगा, लेकिन जो मैंने ए का मान निकाला है वो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण सेकंड कर देंगे, ठीक है। समीकरण ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो अब इसी समीकरण सेकंड को फर्स्ट में रख दो, ठीक है। तो यहां पे लिखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो चलो इधर मैं आपको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको दिखा देता हूं। फिलहाल आपको हिंट मिल ही गया, आप करना क्या है, सीधा मान को वहां पे रख देना। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस, अब देखिए कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स वाई बराबर आपको क्या करना, इतना मान रख देना, क्या है वो मान, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई। तो यहां पे आप रख दो साइन इनवर्स वाई, समझ में आया ना। देखिए समीकरण फर्स्ट है आपका, जब मैंने समीकरण फर्स्ट व सेकंड से लिखा तो समीकरण फर्स्ट है आपका कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स को ज्यादा त्यों रखो, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि बाई तरफ जो कॉस इनवर्स एक्स ही सिद्ध करना है, जो है वही रहने दीजिए, ठीक है। हमें चेंज करना था कॉस इनवर्स वाई को, जो कि साइन इनवर्स वाई में चेंज करना था, तो साइन इनवर्स वाई के रूप में हमने चेंज कर दिया, लेकिन इस कॉस इनवर्स वाई को मैंने माना था क्या ए, तो ए का वैल्यू निकाला फिर उसी की जगह पर रखा, ए की जगह पर, तो कॉस इनवर्स वाई बराबर हमें इतना वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो जो इतना वैल्यू मिला है कॉस इनवर्स वाई की जगह पर उसी को हम उठाकर वहां पर रख देंगे, तो कॉस इनवर्स वाई की जगह पर हम रखेंगे पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ पे रख दिया पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई, लेकिन बराबर में कितना है, पाई बाई टू है, तो पाई बाई आप टू को रख लो, क्लियर हो गया। हमें देखिए जो सिद्ध करना है, बाई तरफ सिद्ध करना है कॉस इनवर्स एक्स, तो बाई तरफ हम कॉस इनवर्स एक्स ही रखेंगे, बाकी सभी को हम दाहिने तरफ भेज देते हैं, तो दाहिने तरफ पाई बाई टू को भेजेंगे, यहाँ पर पाई बाई टू पहले से है तो पाई बाई टू पहले से उसको ऐसे लिखो। अब ये प्लस में पाई बाई टू है, जैसे ही दाहिने तरफ इसका पंचांतर करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा, और माइनस साइन इनवर्स वाई है, इसका भी जब पंचांतर करेंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई। अब देखिए पाई बाई टू से पाई बाई टू क्या है, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो गया, बचा क्या, उसको आप लिख दो, ठीक है। वो बच क्या रहा है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर यहां पे सिर्फ बचा साइन इनवर्स वाई। देखो यही प्रूव करना था ना, दिख रहा होगा आपको, कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई, तो यही सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया। तो आप यहां पे आसानी से खुशी खुशी लिख दीजिए प्रूव्ड, या इति सिद्धम, या लिख दीजिए सिद्ध हुआ, स्क्रीन शॉट ले लो इसका।
तो दोस्तों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ऐसा आपके सामने कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, या इससे रिलेटेड भी कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में कुल 4 क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। इसमें बोला है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है आपको सभी क्वेश्चनों को जो 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहला ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें बोल रखा है 2 sin inverse 3/5 = tan inverse 24/7। अब आपका दिमाग क्या काम कर रहा है, इसमें हम क्या अपने से कर सकते हैं जिससे आसानी से हम सिद्ध कर लें, बाएं पक्ष को लेकर दायां पक्ष आसानी से आ जाए। तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हो, कैसे सिद्ध कर सकते हो। अगर नहीं चल रहा है कुछ तो चलो हम ही चलाते हैं कैसे सिद्ध करना है। आप ऐसा काम करो ना, साइन इनवर्स 3/5 दिख रहा है इसी को मान लो, ठीक है। चलो कैसे अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे चल के पाइथागोरस प्रमेय चेंज होगा तो वहां से टैन का मान निकाल के आसानी से हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये इनवर्स लगा के हमें भ्रमित कर दिया, नहीं तो आसानी से आंसर आ जाता, ठीक है। तो इनवर्स लगाया है तो क्या दिक्कत है, हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ ही रहे हैं, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति जब फलन पढ़ रहे हैं तो वहां प्रतिलोम में ही ना बात करेगा। तो चलो इसको मान लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेंगे क्या दोस्तों, साइन इनवर्स 3/5 बराबर अपने से मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या थीटा। अगर इनवर्स को उस तरह पंचांतर करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 3/5, समझ में आ रहा ना। जैसे ही साइन इनवर्स का पंचांतर होगा इनवर्स हट जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा और 3/5 बराबर में आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 3/5 आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया। और हमें चाहिए क्या, टैन। जिस तरीके से साइन के माध्यम साइन थीटा बराबर हमने 3/5 निकाल लिया, अब उसी प्रकार साइन के माध्यम से हम टैन का मान निकालेंगे, वो कैसे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही होगा, पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता है तो चलिए यहां पर हम आपको समझाते हैं। यहां पर लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो साइन बराबर, देखिए लाल मट्टी कक्का आपको तो फार्मूला याद ही होगा, बराबर इसकी चर्चा होती है, हर क्वेश्चनों में चर्चा होता है इसका। तो इस फार्मूले को आप तैयार रखिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का मतलब ये साइन, देखिए पहला अनुपात होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, कॉट से कोसे, ठीक है। तो साइन जब निकालेंगे तो लंब बटे हमें क्या मिल जाएगा, कर्ण, ऊपर लंब होगा नीचे कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय, चलिए हम लंब कर्ण यहाँ पे दिया है और आगे का मान निकाल लेते हैं। तो ठीक है, ये क्या होगा, कर्ण होता है, ये लंब होता है, या आधार होता है, ठीक है। अपने से अनुपात मान सकते हैं ए बी सी कुछ भी, यहाँ पे थीटा होता है और हमेशा थीटा के सामने क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है ना, तो 90 डिग्री के साथ कर्ण, कर्ण के सामने लंब, ठीक है, और लंब यहाँ नीचे आधार हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो साइन थीटा बराबर ऊपर क्या होता है लंब, नीचे कर्ण, लंब कितना दिया है 3 और कर्ण दिया है 5, आधार निकालना है। तो फार्मूला आपको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण आपका कितना है 5, तो यहाँ पे कर दो 5 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं पता तो आधार को ऐसे ही रखो, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा दिया गया है, ये तो समझ में ही आ गया होगा यहाँ पे करना ही क्या है। और 3 का वर्ग 9 और फिर आधार का स्क्वायर, 9 को पंचांतर करेंगे तो 25 - 9 बराबर क्या बचेगा, आधार का स्क्वायर, 25 में 9 घटाएंगे बचेगा 16 बराबर आधार का स्क्वायर। हमें आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ आधार। तो यहाँ 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और यहाँ पे है आधार का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर आप यहाँ पे अपने कैंसिल कर दो, नहीं तो ऐसे कैंसिल नहीं करना है तो सिर्फ ऐसे ए बराबर 4 आपको प्राप्त दिख ही रहा है, ठीक है। तो ए बराबर यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा, अर्थात आधार बराबर आपको 4 मिल जाएगा। तो अब इसी के माध्यम से जब तीनों भुजाएं मिल जाएंगी तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, टैन का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो यहां से हम निकाल लेते हैं टैन थीटा। तो टैन थीटा जब निकालेंगे, क्योंकि हम थीटा मान के चल रहे हैं, यहाँ पे कोण जो है थीटा लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम निकालेंगे टैन थीटा, क्योंकि जो प्रूव्ड करना है साइंस को लेकर टैन में, तो हम साइंस से साइन का सहारा लेकर हम क्या करेंगे टैन निकाल रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो टैन थीटा बराबर देखिए कितना आता है, तो टैन थीटा बराबर क्या होगा, देखिए साइन बराबर लंब बटे कर, कॉस बराबर आधार बटे कर, टैन बराबर लंब बटे आधार। तो ऊपर एल मतलब लंब, ए का मतलब आधार, तो लंब बटे आधार ये क्या होगा टैन,
तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना तीन, आधार कितना चार, अर्थात तीन बट्टे चार आपको यहां पर मिल जाएगा टैन थीटा बराबर। अगर हमें सिर्फ थीटा बराबर चाहिए तो टैन को पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा टैन इनवर्स थ्री अपान फोर। ठीक है, अब देखिए यहां पे थीटा बराबर क्या मिल गया टैन इनवर्स थ्री अपान फोर। अब चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन आपका है टू साइन इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध करेंगे क्योंकि हमें राइट हैंड साइड लेकर आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब सिद्ध करेंगे तो क्या है दोस्तों यहाँ पे टू साइन इनवर्स कितना थ्री अपान फाइव है, तो यहां पर लिखेंगे आप थ्री अपान फाइव, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम चल रहे हैं। तो टू साइन इनवर्स थ्री अपान फाइव, अब आप देखेंगे साइन इनवर्स थ्री अपान फाइव बराबर आपने क्या माना है थीटा, तो यहां पर अब हो गया कितना टू थीटा। ध्यान दीजिए सवाल कैसे यहां पे सिद्ध होगा, आप समझते चलिए स्टेप बाय स्टेप। यहां तक तो आपने समझ लिया पाइथागोरस प्रमेय से टैन थीटा का मान निकाला गया और थीटा बराबर प्राप्त हो गया टैन इनवर्स थ्री अपान फोर। अब आप देखेंगे बायां पक्ष जो क्वेश्चन है वो कितना है टू साइन इनवर्स थ्री अपान फाइव, ठीक है, कितना है टू साइन इनवर्स थ्री अपान फाइव, और आप यहां पर देखेंगे साइन इनवर्स थ्री अपान फाइव बराबर आपने क्या माना है थीटा, तो साइन इनवर्स थ्री अपान फाइव की जगह पर रख देंगे थीटा, उसके पहले टू है तो आप टू को लगा के रखो। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना साइन को हटाकर हमें किसमें सिद्ध करना है टैन में न सिद्ध करना है, तो हम साइन को हटाएंगे तो हटाने का एक ही जगह दिख रहा है, इसके बराबर हमने थीटा माना है तो हम उसकी जगह पर क्या रख देंगे थीटा, और थीटा बराबर अब हम टैन को रख देंगे। तो देखा जाए यहां हो जाएगा टू, अब देखेंगे थीटा, तो थीटा क्या है यहां देखिए थीटा बराबर क्या है टैन इनवर्स थ्री अपान फोर। अभी भी आपका क्वेश्चन सिद्ध नहीं हुआ है, यहां पर टैन इनवर्स ट्वेंटी फोर अपान सेवन दिया है, तो इसका एक फार्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं टू टैन इनवर्स का रूप में। तो टू टैन इनवर्स के रूप में एक फार्मूला होता है टैन इनवर्स टू थीटा, टू इंटू थीटा, थीटा कितना है थ्री अपान फोर अपान वन माइनस क्या थीटा का स्क्वायर, तो थीटा कितना हो जाएगा थ्री अपान फोर का स्क्वायर। समझ में आया ना, जब इनवर्स में होता है तो इस तरीके से हम फार्मूले को, जैसे टू टैन ए का फार्मूला होता है उसी तरीके टू टैन इनवर्स ए का फार्मूला होगा। यहां मान लीजिए कोई कोण है, कोई कोण है ना, तो कोण यहाँ पे थ्री अपान फोर है, तो यहाँ पे जो थीटा का मान थ्री अपान फोर है तो टैन इनवर्स टू थीटा, तो थीटा की जगह थ्री अपान फोर फिर अपान वन माइनस थीटा का स्क्वायर, तो थीटा की जगह थ्री बाई फोर का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, अब बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टैन इनवर्स को जो कहते हैं रखेंगे दो दूनी चार कैंसिल, तो तीन बटे कितना हो जाएगा ऊपर दो हो जाएगा, और पूरा नीचे देखेंगे यहाँ पे, अब नीचे देखेंगे तो वन माइनस तीन का वर्ग नौ और चार का वर्ग सोलह। आगे सिद्ध करिए इसको, तो देखा जाए ऊपर थ्री अपान टू ऐसे ही रहेगा और यहां पर रहेगा टेन इनवर्स, अपान करेंगे तो सोलह एक का सोलह में से नौ घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा सोलह एक का सोलह में से नौ घटाएंगे बचेगा कितना सात बटे सोलह। ठीक है, अब बटे का बटा जो होगा सबसे ऊपर उसका गुना हो जाएगा मध्य का मध्य में गुना हो जाएगा, तो चलो यहां पर हम गुना करके दिखा देते हैं। तो बचा क्या आपका टेन इनवर्स, अब सबसे ऊपर जाएगा सोलह का तीन में गुना हो जाएगा तीन गुणते सोलह हो जाएगा, और नीचे सात का दो में गुना होगा तो सात गुणते दो हो जाएगा, दो से सोलह कट जाएगा दो अट्ठे सोलह, अब बचा कितना टेन इनवर्स आठ त्रिक चौबीस और नीचे कितना है सात। देखिए टेन इनवर्स ट्वेंटी फोर अपान सेवन, तो टेन इनवर्स ट्वेंटी फोर अपान सेवन ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड से आपका राइट हैंड साइड आपका मिल गया। ठीक है, तो यही आप इस तरीके सॉल्व करना, इस तरीके क्वेश्चनों का ऐसे ही सॉल्व करना है, पहले आप स्क्रीनशॉट लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर वन टू साइन इनवर्स थ्री अपान फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स ट्वेंटी फोर अपान सेवन, बाएं पक्ष को लेकर दायां पक्ष आपको लाना था। ठीक है, तो आसानी से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ऐसे ही पर दोस्तों इस चैनल पर आपको सिंपल तरीके से सभी क्वेश्चनों को समझाया जाता है। सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल की खूबसूरती को बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, चलो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड को।
अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने काफी आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे और अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल क्या रखा है। इसमें बोल रखा है आपको टेन इनवर्स एन अपॉन एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स 2n प्लस वन इक्वल टू 3π/4। यही आपका क्वेश्चन है, अर्थात बाएं पक्ष को लेकर आपको दाएं पक्ष में ये लाना है। ये लाने का मतलब कैसे सिद्ध होगा, देखिए आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, दोनों अनुपात आपका tan के रूप में ही है और दोनों अनुपात tan के रूप का एक फार्मूला मैं आपको दिलाता हूं याद, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, या कह लीजिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर। फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन वन प्लस ए बी, यही फार्मूला होता है जब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के रूप में होता है। तो देखा जाए ये tan इनवर्स इतना पूरा a हो जा रहा है, फिर माइनस है बीच में, फिर tan इनवर्स इतना पूरा क्या हो जा रहा है, b हो जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड को लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स कितना है, देखिए tan इनवर्स n by n plus 1 minus tan इनवर्स 2n plus 1 है, ठीक है। अब इसी के सहारे हम 3π/4 लेकर आएंगे, वो कैसे, अब देखिए tan इनवर्स a minus tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स a minus tan इनवर्स b को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले tan इनवर्स उसके बाद ब्रैकेट में a माइनस बी, जब a और b था तो a माइनस बी लिखा गया, लेकिन a की जगह पर यहाँ पे है n बाई वन एन प्लस वन और फिर माइनस, देखिए फिर क्या है b, तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2n प्लस वन, ठीक है। अब पूरे के अपान करिए आप, यहाँ पर ऊपर बंद कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, इसको बंद करना है तो, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको पूरा ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिएगा एक साथ ही, ठीक है। अब देखो नीचे क्या है, वन प्लस ए बी, तो यहां पर लिखेंगे वन प्लस ए, ए कितना है एन अपान एन प्लस वन इंटू बी कितना है, बी कितना है दोस्तों टू एन प्लस वन, ठीक है। अब पूरे ब्रैकेट को आप यहां पे कर दीजिए बंद, आगे सॉल्व कराते हैं। चलिए इस फार्मूले को आप लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो, और ध्यान दीजिए त्रिकोणमिति जो क्वेश्चन होते हैं, त्रिकोणमितियों के जो क्वेश्चन होते हैं वो फार्मूले पर ही आधारित होते हैं। जब तक आपको आप फार्मूला नहीं तैयार होगा, आपको याद नहीं होगा फार्मूला, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व करें, तो वहां पर आप पहले फोकस करें कि फार्मूला सब याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे आप, tan इनवर्स को आप ज्यों का त्यों लिखो, जैसा है वैसा इसको छाप दो, तो यहां पर लिखोगे tan इनवर्स, ठीक है। उसके बाद अब इसका आप गुना कर लो, तो देखिये यहां पर एन है, एन को आप ज्यों का त्यों रहने दो, फिर माइनस लगाओ क्योंकि माइनस है। अब n प्लस वन का हम यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस वन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा बड़ा हम लिखते हैं, बड़े हम लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, n प्लस वन और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 2n प्लस वन, और ये बटे में भी आएगा क्योंकि यहाँ पे जब क्रॉस गुना हुआ है तो बटे में आएगा क्या, n प्लस वन। अब पूरे के बटे आप करेंगे, पूरे के बटे में आपका क्या दिख रहा है, आप देखिए अब ये बटे में दिख रहा है एन प्लस वन, तो एन प्लस वन का पहले आप वन में गुना करेंगे तो n प्लस वन आपको मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अब देखिए इन दोनों के बीच में गुना है ना, तो n का गुना इसमें भी होगा, तो अर्थात आप लिख सकते हो n फिर 2n प्लस वन। ये देखिए गुना भाग तो आपको आता ही होगा, ज्यादा इसे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में तो आ ही जा रहा होगा, और नीचे बच जाएगा एन प्लस वन, ठीक है। चलो अब ब्रैकेट को पूरा कर दो आप बंद, चलिए समझ में आ गया यहां तक ना कैसे किया गया, यहाँ पे सिर्फ गुना भाग था, क्रॉस गुना था, और ये सब तो आपको पता ही होगा और मैंने आपको समझा भी दिया कि कैसे यहाँ पे मैंने गुना किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब करना क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको tan इनवर्स। अब ध्यान दीजिए, पहले आप यहाँ पे देखिए n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल कर दीजिए, जब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि बटे के बटे का बटा जो होता है आपस में मिलता रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए अब देखिए n है, n को लिखिए ज्यों का त्यों, माइनस है, अब इस n का इसमें गुना करेंगे ब्रैकेट का, और माइनस सबके साथ लगेगा क्योंकि इन दोनों ब्रैकेटों के पहले माइनस है, ठीक है।
तो n का गुणा 2n में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर, फिर अब माइनस है तो यहां माइनस प्लस माइनस, अब देखिए यहां पे है ना ये माइनस सबके साथ जाएगा, अब n का गुणा 2n में हुआ तो 2n स्क्वायर हो गया, अब n का गुणा 1 में होगा तो प्लस माइनस माइनस, और n का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा n आएगा, ठीक है वो भी माइनस में, अब बचा है 1 तो माइनस प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 का गुणा करेंगे 2n में तो माइनस कितना हो जाएगा 2n, अब देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस में होगा तो आएगा माइनस, 1 का गुणा 1 होगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है अब यही सेम प्रोसेस नीचे चलेगा, गुना यहां पर भी होगा तो n प्लस 1 को ज्यों का त्यों लिखो जैसा है वैसा छाप दो, अब प्लस है तो प्लस लिखो, n का गुणा 2n में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर, और n का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ब्रैकेट को आप बंद कर दो यहां पे, ठीक है चलो अब देख लेते हैं ऊपर बच क्या रहा है, tan इनवर्स ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है n से n कैंसिल हो रहा है कर देते हैं, बच क्या रहा है माइनस 2n का स्क्वायर माइनस 2n और माइनस 1, नीचे क्या बच रहा है देखिए यहां पर n n जुड़ रहा है और बच रहा है पहले सबसे बड़े वाले घात को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2n का स्क्वायर और n n जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2n और प्लस कितना है 1 है तो 1 लिख दीजिए, ठीक है अब यहां पर एक बात सोचने वाली बात है, ऊपर और नीचे मैचिंग कुछ कर नहीं रहा है तो मैचिंग कराइए, अगर यहाँ पे कुछ कट जाए तो ये छोटे में चेंज हो जाएगा, और छोटे में चेंज हो जाएगा तो आसानी से हम वहां पे मान को रख लेंगे, वो कैसे चलिए आपको समझाते हैं, देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स है ऊपर सभी में माइनस है, अगर हम माइनस को हटा दें तो ऊपर वाला भी प्लस में हो जाएगा नीचे वाला प्लस में है ही, तो आसानी से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो अर्थात हम यहाँ पे कर सकते हैं टेन इनवर्स ऊपर हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है तो जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच जाएगा यहाँ पे 2n का स्क्वायर माइनस तो बाहर हो गया तो प्लस हो जाएगा, बचेगा 2n माइनस बाहर हो गया बचेगा 1, ठीक है ओके, अब पूरे के बटा करेंगे क्या 2n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ठीक है अब करिए क्या इसको बंद करिए पहले ब्रैकेट को बंद करिए 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इसको आप क्या करिए कैंसिल कर दीजिए, ऊपर नीचे मिल रहा है बच रहा है क्या माइनस, और जब पूरा ऊपर नीचे करता है तो सिर्फ एक बचता है, ठीक है तो एक लिख दीजिए tan इनवर्स यहां पे क्या बच रहा है माइनस 1, अभी देखिए इतना नहीं सिद्ध करना आपको सिद्ध करना 3π/4, इतना तो आपने लेके चला यहां तक आया अब आपको लाना है 3π/4, तो 3π/4 देखिए लेकिन यहाँ पे माइनस 1 तो tan में कितने अंश का माइनस 1 होता है देखिए tan मैं आपको यहाँ पहले बता दे रहा हूं tan 135 अंश बराबर कितना होता है माइनस 1, नहीं पता है तो याद कर लो समझ लो, ये हम फार्मूले सब लिखा चुके हैं एक वीडियो इस पर पर्सनल मैंने बनाया, त्रिकोणमितिक जितने भी सूत्र होते हैं सब एक में मैंने लिखा दिया है, tan इनवर्स माइनस 1 तो tan 135 अंश बराबर कितना होता है माइनस 1, तो माइनस 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स और माइनस 1 की जगह पर हम लिखेंगे tan 135 अंश, लेकिन हमें 135 अंश नहीं लिखना है, इसको हमें चेंज करना है पाई में, तो पाई में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं पाई अपान 180 अंश इंटू थीटा, थीटा की जगह पर हम क्या करेंगे 135, तो 45 तीन 135 45 चौका 180, तो ऊपर बचा कितना 3π, नीचे कितना बचेगा 4, अर्थात हम लिख सकते हैं tan 135 अंश को 3π/4, ठीक है तो 3π/4 का मान होता है माइनस 1, या कह लीजिए 135 अंश का मान होता है माइनस 1, तो देखिए tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बचेगा 3π/4, आप यहाँ पे जो मैं कैंसिल करके आपको दिखाता हूं इस तरीके से आप कैंसिल भी कर सकते हैं और नहीं करना चाहते डायरेक्टली हटा के इसको मान को आप लिख दिया करें, ठीक है तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से चला राइट हैंड साइड तक मैंने पहुंच गया, कैसे पहुंचा आप फिर से एक बार अपने से लगाइएगा क्वेश्चन को, देखिए वीडियो में क्वेश्चन को सिर्फ देखा करिए समझा करिए उसके बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास किया करिए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन में आपकी कहां कमियां हो रही है कहां सॉल्व करने में आपको परेशानी हो रही है आपको अपनी कमी भी पता चल जाएगी, पहले स्क्रीन शॉट ले लो इसका आप। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 2, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इसका समझ में आ गया है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोल रखा है
साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक बार मैं अगर आपको याद दिलाऊंगा तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो भी आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें बोल रखा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। ठीक है, ये है आपका बाया पक्ष, दाया पक्ष आपको दिख ही रहा है, दाया पक्ष कितना है साइन इनवर्स 77/85। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स 77/85। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे क्योंकि यहां पर जितने भी क्वेश्चन इसमें दिया है बोला है सिद्ध कीजिए, तो बाएं पक्ष को लेकर दाया पक्ष हम यहां पर ला रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब चलेंगे यहां पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपका कुछ दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर आपका कर रहा होगा कुछ दिमाग काम इससे रिलेटेड, साइन इनवर्स से रिलेटेड, दोनों देखिए जो दोनों पद हैं वो साइन इनवर्स के रूप में हैं और यहां पर जो सिद्ध करना है वो भी साइन इनवर्स के रूप में ही सिद्ध करना है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर यहां पर जब सिद्ध करेंगे तो आगे साइन इनवर्स के ही रूप में होता है। ठीक है, तो आप प्रयास करिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाइए, आसानी से साइन इनवर्स आ जाए क्योंकि साइन इनवर्स के रूप में क्वेश्चन दिया है, दोनों पर साइन इनवर्स के रूप में है और लाना जो आंसर है वो भी साइन इनवर्स के रूप में ही है। तो एक बार मैं आपको फार्मूला याद दिलाता हूं, उस पर इसको मैं सेट करता हूं, आंसर आएगा तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये है। ठीक है, ये आप इस रूप में क्वेश्चन दिया गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू चेंज किया है, अब इसका मैं आपको फार्मूला याद दिलाता हूं। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स, फिर देखो यहाँ पे अब ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा, क्या हो जाएगा एक्स रूट में 1 - y का स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 - x का स्क्वायर, यही फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पे आप इसको सेट कर दीजिए। ठीक है, ये फार्मूला मैंने लिखाया भी है और बहुत सारे क्वेश्चनों में इसका प्रयोग बताया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ज्यादा डीपली नहीं आएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, सिर्फ फार्मूला रखो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, फार्मूले आप तैयार रखो, आसानी से क्वेश्चन भी आपका हल हो जाएगा। तो आपको करना क्या, देखिए साइन इनवर्स एक्स अगर इसको हम एक्स बोल दें तो एक्स हो गया, प्लस साइन इनवर्स वाई अगर इसको हम वाई बोल दें तो वाई हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर आप इसी फार्मूले में रखिए ना, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, आपने देखा कि सबसे पहले क्या लगा है एक्स, पहला एक्स है तो एक्स लगा है, तो एक्स की जगह पर आपको क्या दिख रहा है 3/5, तो आप भी यहां पर लिखेंगे 3/5, फिर रूट लगा है, करणी लगा है 1 - y का स्क्वायर, तो 1 तो आप रखेंगे क्योंकि फार्मूला में है और माइनस वाई का स्क्वायर, तो y कितना है 8/17, तो यहां पर रखेंगे आप 8/17 और इसका कर देंगे आप क्या होल स्क्वायर क्योंकि इस पे लगा है स्क्वायर, प्लस लगा है तो प्लस लगाइए, प्लस y कितना है 8/17, समझ में आ रहा है ना, जो दूसरा कोण है ये y है और जो पहला है ये x है, फिर रूट में आप क्या करेंगे 1 - x का स्क्वायर, तो x कितना है 3/5, तो इसी का आप क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 3/5 का क्या कर दीजिए यहाँ पे स्क्वायर और ब्रैकेट को आप कर दीजिए यहाँ पे क्या बंद। क्लियर, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है साइन इनवर्स को ज्यों का त्यों रखो, रूट में जो क्रियाकलाप है इसका वर्ग अभी लगा है तो आप वर्ग कर दो, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे 3/5 रूट में 1 - 8 का वर्ग करेंगे 8 - 64 और 17 में 289। ठीक है, यहाँ पे 289, क्लियर, 17 में 289 इसका वर्ग करेंगे तो प्लस 8/17 यानी 8/17 को आप ज्यो का त्यों रखिए, फिर रूट में 1 - 3 का वर्ग 3 * 3 = 9 और 5 का वर्ग 5 * 5 = 25। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहां तक आपका सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया। इस फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को आप लिख लीजिए कहीं पे, इसी फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है साइन इनवर्स को ज्यों का त्यों रखो, अब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं,
3/5 है, 3/5 भी आपको ज्यों का त्यों रखना है। करणी लगाइए, करणी कितना 289 इक्का 289 और 289 माइनस 64 करेंगे तो 289 माइनस कितना हो जाएगा 64 बटे 200 कितना 89 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस अब क्या है 8/17 है तो 8/ क्या रखेंगे 17। फिर रूट में आपको क्या करना है 25 इक्का 25 में से 9 घटाएंगे बचेगा कितना 16, तो आप लिखिए 25 माइनस 9 बटे नीचे 25 है तो 25 कर दो, ब्रैकेट को भी आप कर दो यहां पर बंद। आगे बढ़ते हैं साइन इनवर्स, अब देखिए 3/5 को आपको ज्यों का त्यों रखना है, क्लियर। अब आप देखिए यहां पे करणी लगा तो आप भी करणी लगा दीजिए, 289 में से 64 घटाएंगे तो 9 में से 4 घटेगा बचेगा 5, 8 में से 6 घटेगा बचेगा 2 और यहां 2 पहले से मौजूद है, 225 बटे कितना हो गया 289। ठीक है, प्लस करेंगे आप 8 बटे कितना है 17, फिर करणी के अंदर 25 में से 9 घटाएंगे बचेगा 16 और नीचे कितना है 25। अभी देखिए ये करणी में है, ये दोनों मान किसमें है करणी में, तो करणी हटाइए, करणी कैसे हटेगा जब इसका हम वर्ग करेंगे तो साइन इनवर्स देखिए यहां पे 3/5 को ज्यों का त्यों लिखिए। अब करणी के अंदर 225 15 हमें कितना होता है 225 और 289 17 हमें, अभी आपने यहां पर 17 का वर्ग किया तो 289 आया, अब 289 को हम क्या लिख सकते हैं 17 का वर्ग लिख सकते हैं, तो 225 को हम क्या लिख सकते हैं 15 और 289 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 17, इन दोनों का क्या वर्ग। ठीक है, और उसी प्रकार प्लस यहाँ पे 8 बटे कितना है 17 तो 17 लिखिए, फिर करणी के अंदर लेके चलेंगे 16 किसका वर्ग होगा 4 का और 25 किसका होगा 5 का, तो यहाँ भी कर दीजिए वर्ग क्योंकि करणी हमें हटाना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या लिखोगे साइन इनवर्स, ठीक है यहाँ पे क्या लिखोगे आप साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3/5, अब 15 का वर्ग देखिए, अब वर्ग से करणी क्या हो गया हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 15/17 प्लस यहां पर कितना है 8/17 इंटू वर्ग से करणी हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ कितना 4/5। ठीक है, अब देखो इसका गुना कर लो आप साइन इनवर्स, इसका जब गुना करेंगे तो देखिए बीच में गुना का चिन्ह है तो 15 × 3 = 45 और 17 × 5 = 85 प्लस 4 × 8 = 32 और 17 × 5 = 85। आपको ये तो पता ही होगा कि जब हर समान होता है तो अंश जुड़ जाता है। ठीक है, तो जुड़ने का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऐसा ही रहेगा। अब इसको आप जोड़ लो 5 × 2 = 7 × 4 = 3 = 7/85 है, ये हर समान है तो 85 आप लिख दो। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिया, लेफ्ट हैंड साइड था आपका साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 और आपको लाना था साइन इनवर्स 77/85 तो आया कितना साइन इनवर्स 77/85। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड आपका आसानी से आ जाए, स्क्रीन शॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब वीडियो को पूरा वॉच करा करिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझा करिए, उसके बाद खुद से सॉल्व किया करिए। जब खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, नहीं तो ऐसे कॉपी कर करके आप सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे कुछ देखने उखने को मिलेगा नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन पर फोकस करना होगा और आधार से तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो अपने जब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ना तो आपको रूल सब पता रहेगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो इस तरीके सॉल्व करते हैं, इससे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरीके को ध्यान देते हुए दोस्तों वीडियो को देखो, क्वेश्चन को समझो, फिर खुद से सॉल्व करो। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोल रखा है, क्योंकि बोल रखा है सिद्ध करें। ठीक है, तो सिद्ध सब का जो करना है लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड ही लाना है। तो कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड के सहारे हम राइट हैंड साइड को लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये कॉस के रूप में, अभी आपने देखा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाया तो आसानी से आंसर आ गया।
तो ये भी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला लगेगा और कॉस के रूप में दिया भी गया है। तो चलो याद दिलाते हैं इसका फार्मूला, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस इनवर्स, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाइएगा, एक्स वाई माइनस वन माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू रूट में वन माइनस वाई का स्क्वायर। सिंपल सिंपल फार्मूले हैं ये, फार्मूले एक बार आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए ना, आपके बुक में दिए भी गए हैं, शायद मैं लिखाया भी हूं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, कॉस इनवर्स फोर अपॉन फाइव प्लस कॉस इनवर्स ट्वेल्व अपॉन थर्टीन है, ठीक है। अब इसी फार्मूले में इसको हम रखेंगे, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर थ्री को किया उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर को भी करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई, तो एक्स कितना है फोर अपॉन फाइव इंटू वाई कितना है ट्वेल्व अपॉन थर्टीन, उसके बाद क्या लग जा रहा है यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगाइए करड़ी लगाइए वन माइनस यक्स का स्क्वायर, तो वन माइनस यक्स कितना है फोर अपॉन फाइव, तो फोर अपॉन फाइव का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर इनटू क्या करेंगे वन माइनस वाई का स्क्वायर, तो वन माइनस वाई कितना है ट्वेल्व अपॉन थर्टीन, तो ट्वेल्व अपॉन थर्टीन का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स लिखिए, बारह चौके कितना हो जाएगा अड़तालीस और तेरह बचे पैंसठ, फिर माइनस अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो वन माइनस चार का वर्ग सोलह, पांच का वर्ग पच्चीस, ठीक है, इनटू रूट में वन माइनस बारह का वर्ग, बारह बारह में एक सौ चौवालीस और तेरह तेरह में एक सौ उनहत्तर, ठीक है। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया, ब्रैकेट को बंद करते चलिए इधर से, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए कॉस इनवर्स को ज्यों का त्यों लिखो, अड़तालीस बटे पैंसठ है इसको भी ज्यों का त्यों लिखो, फिर माइनस रूट में पच्चीस इक्का, पच्चीस माइनस सोलह बटे क्या हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा, फिर इंटू एक सौ उनहत्तर इक्का, एक सौ उनहत्तर माइनस एक सौ चौवालीस हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा एक सौ उनहत्तर, ब्रैकेट कर दो यहाँ पर बंद। आगे सॉल्व करते हैं, अब देखो दोस्तों कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स को ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अड़तालीस बटे पैंसठ है तो अड़तालीस बटे आप क्या लिखेंगे पैंसठ ही लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे पच्चीस में से सोलह घटाएंगे बचेगा नौ, करणी के अंदर कितना बचेगा नौ, ठीक है। तो यहां आप लिखेंगे करणी के अंदर नौ बटे पच्चीस, तो पच्चीस लिख दीजिए, ठीक है। फिर गुणते अगला, करणी के अंदर एक सौ उनहत्तर में से एक सौ चौवालीस घटाएंगे तो बचेगा पच्चीस, तो यहां पर कर दीजिए पच्चीस बटे एक सौ उनहत्तर, तो यहां पर कर देंगे हम एक सौ उनहत्तर, नौ में से चार घटेगा पांच और सोलह में से चौदह घटेगा तो दो है, ठीक है। ब्रैकेट को आप यहाँ पे कर दीजिए बंद। अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स ब्रैकेट को हटाएंगे, जैसे अगले वाले क्वेश्चन किया गया था क्वेश्चन नंबर थ्री में, तो उसी तरीके थोड़ा मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको समझा चुका हूँ, उसी से रिलेटेड है और आगे गुना भाग के रूप में सब दिख रहा है तो आसानी से तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अड़तालीस बट्टे पैंसठ, फिर माइनस यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे, नौ को क्या लिख सकते हैं तीन और पच्चीस को लिख सकते हैं पांच का वर्ग, ठीक है। तीन का वर्ग नौ, पच्चीस का वर्ग पच्चीस, पांच का वर्ग पच्चीस, ठीक है। इनटू पच्चीस को लिख सकते हैं पांच और इसको लिख सकते हैं हम तेरह, इसका क्या कर देंगे हम वर्ग, ठीक है। और ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब देखिये दोस्तों, कॉस इनवर्स अड़तालीस बट्टे पैंसठ को ज्यों का त्यों लिखो आप, माइनस वर्ग से करणी खत्म बचेगा थ्री अपॉन फाइव इंटू वर्ग से करणी खत्म बचेगा फाइव अपॉन थर्टी, क्लियर, समझ में आ गया। इसका गुना कर लो आप, गुना करोगे तो कॉस इनवर्स अड़तालीस बटे पैंसठ माइनस तीन पच्चे पंद्रह बटे तेरह पच्चे पैंसठ, ठीक है। अब इसको घटा दो तो कॉस इनवर्स घटाएंगे अड़तालीस में से पंद्रह बचेगा तैतीस, ठीक है। ब्रैकेट भी हट जाएगा क्योंकि घट रहा है, तो अड़तालीस में से पंद्रह घटाएंगे बचेगा तैतीस और यहाँ पे नीचे हर समान है पैंसठ तो पैंसठ ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे कॉस इनवर्स थर्टी थ्री अपॉन सिक्सटी फाइव, ये आ गया का राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड आ चुका है, स्क्रीन शॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। अब इसमें चार क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों का मैंने एकदम विधिवत से सिंपल तरीके में सलूशन बता दिया है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोल रखा है
यदि tan inverse अल्फा प्लस tan inverse बीटा प्लस tan inverse गामा इज इक्वल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो इतना हमें सिद्ध करके लाना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोल रखा है उसको हम यहां पर लिखते हैं। बोल क्या रखा है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो यहां पर आपके तीन देखिए पद दिए गए हैं, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई। जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तीनों का कोणों का योग कितना होता है पाई। हम करते क्या है बेसिकली, जब ऐसा आता है रूल तो हम a प्लस बी बराबर क्या करते c को पंचांतर करते पाई माइनस c कर देते। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहां पे करेंगे tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इसको पंचांतर करेंगे tan इनवर्स गामा को, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स गामा। अब देखेंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला बन गया, याद दिलाता हूं आपको, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स a प्लस b अपान वन माइनस ए बी, यही फार्मूला होता है, इसी की जगह पर आप रख दो तो क्या हो जाएगा यहां पे tan इनवर्स a की जगह पर अल्फा, तो अर्थात अल्फा प्लस बीटा अपान वन माइनस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर में यहां पे पाई माइनस tan इनवर्स गामा। अब tan इनवर्स को उस तरह पंचांतर कर दो, तो इधर बाई तरफ बचेगा अल्फा प्लस बीटा अपान वन माइनस अल्फा बीटा, जब इसका पंचांतर करेंगे तो यहां पे हो जाएगा tan, अब बचेगा सिर्फ पाई माइनस tan इनवर्स गामा। क्लियर हो गया। अब देखिए ये tan 180 अंश माइनस थीटा में हो गया, देखिए tan 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। ठीक है, tan 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस tan थीटा, तो इसको आप तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपान वन माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू tan 180, पाई का मतलब 180 अंश, तो tan 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, तो यहां पे माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा, थीटा की जगह पर ये पूरा मान है तो ब्रैकेट में हो जाएगा tan इनवर्स गामा। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा ठीक है अपान वन माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा बचेगा माइनस गामा, तो यहां पे कर दो माइनस गामा। आगे सॉल्व कराता हूं, यहां तक समझ में आ गया ना, चलो आगे सॉल्व करते हैं, आपको समझाता हूं अच्छे से। तो इसका अब यहां पे गुणा कर लो, चलो कर लेते हैं, तो यहां पे बचेगा सिर्फ क्या अल्फा प्लस बीटा बाई तरफ, ठीक है अल्फा प्लस बीटा, अब इसका एक में यहां माइनस गामा में गुणा होगा तो माइनस गामा, ठीक है फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, इसका गुणा होगा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। अब गामा का अगर इस तरह पंचांतर कर लें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा, तो यहां पे बाई तरफ अल्फा प्लस बीटा इसको पंचांतर करें प्लस गामा माइनस किधर आएगा प्लस हो जाएगा, फिर बचेगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो देखिए बाया पक्ष है अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा बीटा गामा, आगे नहीं आ गया तो यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। आप लिख दीजिए यदि सिद्धम या सिद्ध हुआ या लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आसानी से आप ऐसे ही सॉल्व करिए, आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा है वीडियो, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इस वीडियो में बस इतना ही, बचे हुए सवालों के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अर्थात पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।